यार बहुत सारी चीज़ें देखी हैं आपने दुबई की। बुर्ज खलीफा हो गया, डांसिंग फाउंटेन्स हो गया, बुर्ज अरब हो गया, मतलब जो भी फेमस चीज़ें हैं दुबई की वो सारी आपने देखी। मेरा कोई इरादा नहीं है इस तरह से दुबई का कोई ब्लॉग बनाने का, इसलिए मैंने सोचा है कि कुछ हटके बनाया जाए। ये चीज़ आई डोंट नो, बहुत से लोगों ने शायद ना भी देखी हो या देखी हो, आई डोंट नो, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम देखी है बहरहाल, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको कवर किया जाए। एक अच्छा वॉकिंग ट्रैक है, साथ में जो है वो बोर्ड्स लगी हुई हैं, ये सिर्फ दिखाने की बोर्ड्स नहीं हैं, चलती भी हैं। और ये सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए लाइन्स है, डेफिनेटली डिफरेंट टाइप्स होंगे, मतलब कॉन्टिनेंटल भी होगा। हाँ, गर्मी शदीद हो रही है, हब्स बेतहाशा है, हालत बुरी हो गई है। चल चल हर चीज इतने विंटेज स्टाइल में बनाई गई है, अंदर से पूरी परफ्यूम की शॉप है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत ही पुरानी जगह। खूबसूरत, अभी इसकी लाइट जलेंगी तो कितना अच्छा लगेगा। बहुत खूबसूरत लगता है जब लाइट जलती है। अभी होने वाली होंगी आई गेस थोड़ी देर में। दिन में दिखाने का मकसद सिर्फ आपको यही है, लाइट बहुत अच्छी आती है, कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं होगी, इसलिए ज्यादा क्लियर चीजें नजर आ रही है। W11 सजी हुई होती है ना, बिल्कुल वही टच आ रहा है इसका, बिल्कुल पुराने जमाने की पायरेट ऑफ द कैरिबियन टाइप की शिप बनी हुई है। फुल लकड़ी, इसमें लाइट तभी तो खैर देना है, तो इस वजह से इसकी पता नहीं चलती, लेकिन जब ये रात होगी तो दुल्हन बन जाएगी। जगह जगह जो बोर्ड्स लगे हुए हैं ना, ये कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, कोई कॉफ़ी शॉप है, कोई आइसक्रीम पार्लर है, लेकिन अंदाज़ा नहीं होगा जब तक कि आप गौर से नाम नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसे पुराने स्टाइल में लगाया हुआ है कि घंटा किसी को कुछ नहीं पता चलने वाला। वुड यू बिलीव दैट कि ये फार्मेसी है। हेलो भाई, मैं भी हूँ। मैं बता रहा हूँ सबको,
फार्मेसीज के शेल्फ जो है ना वो भी देख लो जाके, अंदर अंदर लेके जा। फार्मेसीज के शेल्फ तक वैसे हैं, खोल लें दिखाना मुझे। शाम में इसलिए निकले थे कि गर्मी कुछ कम होगी, लेकिन हालत से आपको पता चल रहा होगा किस कदर है। बट भाई ओल्ड है और गोल्ड है, ऑप्टिक्स भी नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर।